बॉलीवुड की उभरती हुई अभिनेत्री सैमी खेर को HGGMS सनी देओल के साथ मुख्य भूमिकाओं में लिया गया है। तेलुगु फिल्म निर्माता गोपीचंद मालनी हाई बजट फिल्म एक्शन के लिए जाने जाते हैं और सनी देओल भी एक्शन हीरो की छवि के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए गोपीचंद मालनी ने इस बार सनी देओल को अपनी फिल्म में कास्ट किया। इसे 20 जून को हैदराबाद में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था और 22 जून से इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी और बिना रुके इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसी बीच दोस्तों आपको बता देगी सैमी खेर ने कहा कि सनी देओल के साथ काम करने का सम्मान और सपना सच होने जैसा है। बात करें सनी देओल की, सनी देओल भी बड़ी एक्शन फिल्म के इंतजार में थे और गोपीचंद मालनी खुद उनके पास चलकर गए। गोपीचंद मालनी ने जब इस फिल्म की सिकुड़बट सुनाई तो सनी देओल ने तुरंत हाँ भर दी और बिना देर किए हुए सनी देओल ने यह फिल्म साइन की और शूटिंग भी शुरू कर दी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की से अनाउंसमेंट की गई है तब से ये फिल्म काफी ज्यादा सुर्खियों में बन गई है। इस फिल्म का नाम जट है। सनी देओल के फैंस भी इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सनी देओल के फैंस सनी देओल की और भी फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि लाहौरी 47 जिसकी शूटिंग सनी देओल ने हाल ही में खत्म कर दी है। इसके बाद सूर्य बाप, इन सभी फिल्मों का सनी देओल के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बात करें फिल्म जट की तो इस समय हर कोई फिल्म जट से सनी देओल का फर्स्ट लुक का इंतजार कर रहे हैं। किस सनी देओल का फर्स्ट लुक कैसा होगा, हर कोई सनी देओल के फर्स्ट लुक को देखने के लिए बेचैन। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। कैप्शन में लिखा था देश की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म, यानी ये बात तो साफ है कि इस फिल्म में खूब सारा एक्शन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। और इस बात को गोपीचंद मालनी ने भी कहा था कि सनी देओल को हम ऐसे अवतार में पेश करेंगे जो कभी किसी ने ना देखा हो। और इसी बात से फैंस भी काफी खुश हैं कि सनी देओल एक बड़े एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी देओल अपने 2, बॉर्डर 2, सूर्य बाप, लाहौरी 47 फिल्म सफर, रामायण जन्मभूमि, इन सभी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों आपका इस न्यूज को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।